हेलो गाइस, कैसे हो आप सब दोस्तों। जैसे कि हमने आपको पहले बताया था, सलमान खान बर्थडे जो 27 दिसंबर को आने वाला है, उसके लिए हम आपको सलमान खान की एक से एक वीडियो देते रहेंगे। और इस वक्त हम लेके आए हैं सलमान खान की एक फिल्म जिसका नाम है हर दिल जो प्यार करेगा। आपको बताएंगे इस फिल्म के एक जबरदस्त फैक्ट्स और फुल डिटेल्स। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एंड तक इस वीडियो में बने रहें, मज़ा बहुत आने वाला है। हर दिल जो प्यार करेगा, ये फिल्म रिलीज हुई थी 4 अगस्त सन 2000 को, और इसको डायरेक्ट किया था राज कंवर। राज कंवर सर ने इससे पहले दीवाना, लाडला, जुदाई, जीत जैसी फिल्म ब्लॉकबस्टर बना चुके थे, और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था साजिद नडेलिया ने। जैसा कि आपको पता, साजिद जो है सलमान खान के बहुत अच्छे दोस्त हैं। उससे पहले सलमान ने साजिद की फिल्म जीत जुड़वा में काम कर चुके थे, और इस फिल्म में जो राइटर थे वो थे रूमी जाफरी। रूमी जाफरी कहानी आपको पता ही है, जो कि रूमी जाफरी ने एक फिल्म में डायरेक्ट की थी जो सलमान खान के साथ गॉड दोस्ती ग्रेट हो, बहरहाल वो फिल्म उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। और इसकी श्री दर्शन को तो आपको पता ही है कि वो ज़बरदस्त महारत हासिल है उनको कॉमेडी और बेहतरीन कहानी लिखने में। उनकी तमाम फिल्में हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी, हंगामा, हलचल, ज़बरदस्त फिल्में प्रिय दर्शन ने डायरेक्ट की है। बहरहाल इस फिल्म में 9 गाने रखे गए थे और 9 गाने ब्लॉकबस्टर थे। उस टाइम जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, इसका गाना की कैसेट जो है 22 लाख बिकी थी, और ये उस टाइम साल की नंबर 1 कैसेट थी। इसका म्यूजिक लोगों ने बहुत ज़बरदस्त पसंद किया था। इसमें जो पॉपुलर गाने थे वो थे इसका टाइटल सॉन्ग हर दिल जो प्यार करेगा, एंड आते जाते जो मिलता है, पिया पिया ओ पिया पिया, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, एक गर्म चाय की प्याली हो, साहिबा साहिबा, तमाम गाने जितने गाने थे सब जबरदस्त ब्लॉकबस्टर सॉन्ग थे। इसमें आवाज़ जो अपने गानों में दी थी वो थे अनिल मलिक, उदित नारायण, सोनू निगम, के अलका याग्निक, ऐसे दिग्गज कलाकारों ने अपनी आवाज़ इस फिल्म में दी थी। जो लिरिक्स लिखे थे वो समीर साहब ने लिखे थे, और इस फिल्म का बजट रखा गया था 13 करोड़ रुपए, और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे कनेक्शन किया था 32 करोड़ 67 लाख रुपए का, और इसने वर्ल्ड वाइड कनेक्शन किया था 114 करोड़ रुपए का, और ये फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। आपको बता दें, इसका एक फैक्ट ये भी है कि इस फिल्म के फौरन बाद ही सलमान खान, ब्रिजेश जिंटा एंड रानी मुखर्जी एक साथ नजर आए थे हमको चोरी चोरी चुपके चुपके में। जो कि आपको पता है, ये फिल्म पहले इसकी शूटिंग स्टार्ट की गई थी, बट उस टाइम जो है इसके फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं चोरी चोरी चुपके चुपके, उनके ऊपर थोड़ा केस चल गया था, जिसकी वजह से फिल्म को पोस्टपोन कर दिया गया था। बट पहले रिलीज हुई थी हर दिल जो प्यार करेगा, उसके बाद आई थी चोरी चोरी चुपके चुपके। इस फिल्म में परफॉर्म करते हुए हमको नजर आते हैं सलमान खान, रानी मुखर्जी, प्रीति जिंटा, परेश रावल, सतीश शाह एंड नीरज वोरा, शक्ति कपूर, ऐसे तमाम दिग्गज कलाकार इसने अपनी परफॉर्मेंस इस फिल्म में दी थी। और ये फिल्म उस टाइम सबसे ज़्यादा कमाने वाली फिल्मों में 7वीं पोजीशन पर थी। जैसे कि आपको बता दें, इसका फैक्ट ये भी है कि ये फिल्म मोहनलाल स्टारर फिल्म चंद्रकला की रीमेक थी, और इसका एक फैक्ट ये है कि इस फिल्म को 2 नॉमिनेशन मिले थे, जिसमें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नॉमिनेशन जो रानी मुखर्जी को मिला था, बट फाइनली ये अवार्ड वो जीत नहीं पाई थी, क्योंकि ये अवार्ड मिला था जया बच्चन को। उस टाइम उन्होंने फिजा फिल्म में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड जीता था जया बच्चन ने। देखो, ये फिल्म एक ऐसी फिल्म है जो शुरू से एंड तक एक लव ट्रायंगल पे घूमती है फिल्म, और इस फिल्म को बड़ी खूबसूरत लोकेशन पे फिल्माया गया था। और जैसा कि आपको पता है, इस फिल्म में बहुत ही खूबसूरत नज़र आए हैं जितने भी स्टार हैं, सलमान, प्रीति एंड रानी, बहुत ही हैंडसम और ब्यूटीफुल वो दोनों नज़र आएंगे, और बहुत ही कलरफुल फिल्म है ये। और इस फिल्म के म्यूज़िक उस टाइम हर लोगों की ज़ुबान पर थे, और ये फिल्म ज़बरदस्त कमाई की थी, और जो कि लोगों को बहुत सा डाउट था कि ये फिल्म जो रीमेक बन रही है ये चलेगी कि नहीं चलेगी, लेकिन लोगों ने इसके म्यूज़िक को सबसे ज़्यादा पसंद किया। फिर जब ये फिल्म रिलीज़ हुई, उसको भी भर के प्यार दिया था इस फिल्म को, और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। एक तरफ से ये भी कह सकते हैं कि उस टाइम जो पीरियड चल रहा था सलमान खान को लेकर, बहुत ही ज़्यादा निगेटिविटी सलमान खान के खिलाफ बोली जा रही थी। उस टाइम ये फिल्म जब रिलीज़ हुई थी तो बहुत ज़्यादा लोगों को लगा था कि सलमान खान जो हिसाब से इमेज बॉलीवुड में और मीडिया पर बताई जा रही है, ये फिल्म को लोग नकार देंगे। बट सलमान खान का स्टारडम उनके फैंस के बीच कम नहीं हुआ था, और ये फिल्म ने प्रूव किया था, ये फिल्म आई और ज़बरदस्त ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस फिल्म को एक फैक्ट्स ये भी है कि इस फिल्म में एक कहानी ये दिखाई गई थी कि रानी मुखर्जी सलमान खान विदाउट शादी के ही हस्बैंड एंड वाइफ दिखाए जाते हैं फिल्म में। इसी तरीके से 2 फिल्में और बनी थी उस टाइम, वो बनी थी कुवारा एंड 2.5 अक्षर प्रेम के, जिसमें हीरो हीरोइन की शादी दिखाई गई है लेकिन होती नहीं है। इस फिल्म के बाद ही वो दोनों फिल्में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का फैक्ट्स ये भी है कि इसमें हमको शाहरुख खान लास्ट सीन में कैमियो करते हुए नजर आते हैं। जैसा कि आप सबने देखा ही होगा कि शाहरुख खान की एंट्री होती है हर दिल जो प्यार करेगा सॉन्ग पर, जो रानी मुखर्जी के लिए दिखाए जाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सलमान खान, शाहरुख खान इससे पहले करण अर्जुन में, दुश्मन दुनिया में एक छोटा सा कैमियो रोल किशोर कुमार महमूद साहब का कर चुके थे। उसके बाद जो है वो
इस फिल्म में भी एक साथ नजर आए थे कि सलमान खान की फिल्म में कैमियो शाहरुख खान ने किया था। इसके बाद शाहरुख खान सलमान खान कई बार एक दूसरे की फिल्मों में कैमियो करते हुए नजर आए, जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं, जैसे कि जीरो फिल्म ले लो, ट्यूबलाइट में भी थे, एंड सलमान खान शाहरुख खान एक साथ फिर से आए थे, वो फिल्म थी हम तुम्हारे हैं सनम। और जिस फिल्म में ये लोग आते हैं पब्लिक इनको भर भर के प्यार देती है, ये दोनों की जोड़ी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आती है। इसका एक फैक्ट सबसे जबरदस्त ये था कि इसके कास्टिंग को लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, जो कि ये जो रियल कास्ट इस फिल्म में दिखाई गई है इससे पहले जो देखा जाए तो कास्ट बिल्कुल चेंज थी, क्योंकि प्रीति जिंटा वाला कैरेक्टर जो है वो पहले प्रीति जिंटा इसके लिए कंफर्म नहीं हुई थी। इसको इससे पहले प्रीति जिंटा का जो रोल है वो दिया गया था करिश्मा कपूर को, बट करिश्मा कपूर ने फिल्म करने से कुछ मना कर दिया। फिर जाके ये बाद में रोल जो है तब्बू को दिया गया, फिर तब्बू जी ने भी किसी तरीके से इस फिल्म को नहीं कर पाई। उसके बाद ये फिल्म जो चली गई वो अमीषा पटेल की चली गई, क्योंकि उस टाइम जैसे पता है कि सन 2000 में अमीषा पटेल ने कहो प्यार से डेब्यू किया था, ये फिल्म अमीषा पटेल के पास बगी। उसके बाद जाके ये फाइनली जो है प्रीति जिंटा के हाथ में ये रोल आ गया। फिर आते हैं सलमान खान का रोल। जो सलमान खान का रोल है ये पहले जो सलमान खान के लिए नहीं था, ये रोल जो लिखा था गया था वो था अनिल कपूर के लिए, क्योंकि सलमान खान का जो उस टाइम केस चल रहा था तो बाकी लोगों को बहुत ज़्यादा वो हो गया था सलमान खान के खिलाफ जो नेगेटिव फैल रही है कहीं वो फिल्मों पर असर ना करे। बट तारिक नडालिया को अपने दोस्त पे बहुत पूरा फुल कॉन्फिडेंस था, जैसे कि सलमान खान इंटरव्यू में कह चुके हैं कि मेरे अपने लोग जानते हैं मैं कैसा हूँ। तो बाद में राज कंवर उससे पहले भी सलमान खान के साथ जीत फिल्म में काम कर चुके थे, जो कि एक जबरदस्त ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। जैसा कि आप सबको पता है जीत फिल्म जबरदस्त फिल्म में सलमान खान के साथ नजर आए थे सनी देओल, और दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो जबरदस्त था। सनी देओल का जो अवतार दिखाया गया था जीत में वो जबरदस्त था, और सलमान खान ने भी जो सपोर्टिंग रोल है बहुत ही माइंड ब्लोइंग तरीके से निभाई थी। अब आते हैं इसके कि रानी मुखर्जी वाला जो रोल है इस फिल्म में, उसको पहले जो है ऐश्वर्या राय के लिए फाइनल की गई थी कि इसमें ऐश्वर्या राय होंगी, बट फाइनली जो है ऐश्वर्या राय भी इस फिल्म को करने से मना कर दिया था। बहरहाल ये फिल्म चली गई रानी मुखर्जी के बाद। किसी भी तरीके से लोगों को जब कास्ट किया गया सलमान खान प्रीति जिंटा एंड रानी मुखर्जी को, ये फिल्म बन के तैयार हुई और जब ये सिनेमा घरों पे आई तो लोगों ने भर भर के इन तीनों की जोड़ियों को प्यार दिया, और ये फिल्म बहुत ही क्यूट लव स्टोरी पे लव टैंक पे बेस्ड थी और लोगों को बहुत मजा आई। और इसके सबसे ज़्यादा फेमस जो थे वो गाने थे, क्योंकि गाने जो रखे गए थे वो बहुत ही चार्ट बस्टर साबित हुए थे उस टाइम के, और इसी वजह से एक अहम रोल निभाते हैं इस फिल्म में इसके गाने। चीज़ तो ये है कि सलमान खान का जो भी उस पर निगेटिव फैलाई जा रही थी, लेकिन फिर भी सलमान खान के फैंस में सलमान खान की जो मोहब्बत और जो प्यार था वो उस टाइम भी सलमान खान के फैंस के लिए वैसे ही बरकरार था। क्योंकि जब जब सलमान खान जेल गए भी हैं एक दिन या दो दिन के लिए, तो उनके फैंस पूरी रात पूरे दिन तक जेल के सामने बाहर खड़े होकर धरना दिए। ये किसी फैन फॉलोइंग इतनी ज़बरदस्त नहीं हो सकती सिवाय सलमान खान के। भाई का जलवा, भाई का ऑरा जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त है यार। भाई ने अवार्ड्स नहीं कमाए हैं लेकिन भाई ने लोगों के दिल में जगह बनाई है। आप कभी किसी एक्टर के लिए इतनी दीवानी किसी भी फैंस की नहीं देखे होंगे कि रात रात भर लोग जेल के बाहर खड़े हों, ये भाई की मोहब्बत थी। बहरहाल जब ये फिल्म आई थी तो ये फिल्म को लेकर तमाम लोगों ने ये कहा था, बहुत बड़े बड़े पंडितों ने ये कहा था ये फिल्म नहीं चलेगी, ये बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप हो जाएगी। एक तो सबसे ज़्यादा ये था कि जो फिल्म चंद्रकला की रीमेक है तो कौन देखेगा, ये वो बहुत चीज़ें थी, जो कि चंद्रकला उतनी सक्सेस उस टाइम नहीं हुई थी जितनी ये हर जो आते हैं इस फिल्म की स्टोरी पे। जैसा कि आपको पता है इस फिल्म में सलमान खान एक सिंगर बनना चाहते हैं और उनकी कोशिश रहती है कि वो एक बहुत बड़े सिंगर बन जाए, और उनके दोस्त का कैरेक्टर निभाया था नीरज वोरा सर ने, जो कि ज़बरदस्त निभाया था। फिर सलमान खान आ जाते हैं दूसरे शहर जहाँ पर वहाँ उनकी मुलाकात होती है रानी मुखर्जी से। रानी मुखर्जी सुसाइड करना चाहती हैं क्योंकि उनके जो लवर होते हैं उनको धोखा दे देते हैं, वो शादी के जोड़े में रहती हैं। जब उनका एक्सीडेंट होता है सलमान खान बचा के उनको लेके चले आते हैं, उनकी फैमिली को लगता है कि सलमान खान ही वो लड़का है, मतलब रानी मुखर्जी के हस्बैंड, क्योंकि रानी मुखर्जी चली जाती है कोमा में। तो सलमान खान को ये थोड़ा बहुत लगने लगता है कि इनकी फैमिली बहुत ही रिच है, पैसे वाली है, तो ये मेरा सपोर्ट करेगी। जब उनको पता चल जाता है कि उनको जो है सिंगर के रूप में एक म्यूजिक एल्बम निकालेंगे सतीश शाह, तो वो झूठ बोल देते हैं सलमान खान भी कि हाँ मैं इनका हस्बैंड हूँ। बट वो रानी मुखर्जी को बार बार बताते रहते हैं, वो सुनती सकती हैं लेकिन कोमा में रहती हैं, सुन जरूर सकती हैं वो जो जो सलमान खान को बोलते हैं। बहरहाल वहाँ पे एंट्री होती है प्रीति जिंटा की, जो परेश रावल जो उनके अकाउंट मैनेजर रहते हैं उनकी लड़की बनी है। भाई को जो है प्रीति जिंटा से प्यार हो जाता है, और वो प्यार जब हो जाता है तो लास्ट में ये पता चलता है कि जब रानी मुखर्जी को होश आता है तो रानी मुखर्जी रियल में सलमान खान से प्यार करने लगती है। अब वहाँ कहानी हो जाती है, फंस जाती है, अब वहाँ पे कुर्बानी देगा कौन, वो आंखें वाली सीन याद आती है कादर खान की और उनकी सदस्य अमरपुर करके, कुर्बानी देगा कौन, देगा कौन, देगा कौन, तू देगा कुर्बानी, वो सीन आती है, मतलब कुर्बानी देगा कौन। बहरहाल तो इसमें प्रीति जिंटा अपने दिल पे पत्थर रख के कहती हैं कि तुम जो है उससे शादी कर लो रानी मुखर्जी से,
बहुत कहने के बाद सलमान खान उनकी बात मानते हैं, लेकिन रानी मुखर्जी को पता चल जाता है कि ये दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, प्रीति जिंटा और सलमान खान। बहरहाल लास्ट में ये पोल खुल जाती है और सलमान खान जो है प्रीति जिंटा के साथ आते हैं और शाहरुख खान रानी मुखर्जी के लिए आ जाते हैं। ये फिल्म का क्लाइमैक्स है, लेकिन फिल्म के बीच में बहुत से टर्निंग पॉइंट है और बहुत ही खूबसूरत लोकेशन में फिल्म फिल्माई गई है। गाने जैसा मैं आपको बता चुका हूँ जबरदस्त है, देखने में मजा आती है। अगर आपने फिल्म नहीं देखी तो मैं आपसे कहूंगा ये फिल्म एक बार आप जरूर देखिए। तो आप ये बताइए आपको वीडियो कैसी अच्छी लगी, तो लाइक कर दिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताइए और अपने भाई को सपोर्ट करो यार। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो ताकि न्यू वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। ओके डाटा, बाय बाय, सी यू अगेन।